हेलो दोस्तों, दिस इज कौशल किशोर शर्मा एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। दोस्तों, ये है हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 43 एंड इससे पहले मैंने 42 प्रैक्टिस सेट बना दिए हैं। यदि आपने अभी तक उन्हें वॉच नहीं किया है तो प्लीज़ इन्हें भी वॉच कर लें। काफ़ी यूजफुल सेंटेंस आपको मिलेंगे, स्पेशली टैट एग्जामिनेशंस के लिए। आप चाहे किसी भी स्टेट का टैट दे रहे हो, यदि आप किसी अन्य एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, आपके लिए वो क्लासें भी शुरू कर दी जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को। और यहाँ पर पहला सेंटेंस है, फर्स्ट, मिस्टर वर्मा इज सीनियर डैश मी। और हमें यहाँ पर यूज करना है प्रपोजिशन देन, देन, टू या फिर ऑफ। तो कुछ पॉइंट्स याद कर लीजिए कि ये सबसे पहले तो हमारी डिग्री लिखी हुई है, कंपेरेटिव डिग्री है, और नॉर्मली कंपेरेटिव डिग्री में देन का यूज किया जाता है। लेकिन जब हमारे एडजेक्टिव हों सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, एस्टीरियर, इन्फीरियर, प्रेयर, तो इनके बाद आपको टू प्रपोजिशन का प्रयोग करना होता है। यानी कि इस सेंटेंस का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी, यानी टू। दोस्तों, आप भी कमेंट करके बताते जाइए सबसे पहले, और लास्ट में अपना स्कोर बताइए कि आपका टोटल स्कोर कितना हुआ है इसमें। नेक्स्ट सेंटेंस है, अपोजिट ऑफ इंक्लूड इज। इंक्लूड का बताना है अपोजिट, एंड ऑप्शन है एक्सक्लूड, आउटक्लूड, मिसक्लूड या डिसक्लूड। तो अपोजिट ऑफ इंक्लूड विल बी एक्सक्लूड। ओके, तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, डिवाइड दी स्वीट्स डैश ऑल द स्टूडेंट्स, एंड प्रपोजिशन फिल करना है बिटवीन, अमंग, ऑन एंड अपॉन में से। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं हम कि यहाँ पर बिटवीन का यूज किसके लिए किया जाता है, टू थिंग्स या पर्सन के लिए। अमन का यूज किसके लिए किया जाता है, मोर देन टू के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर इन्हीं दोनों में से फिल किया जाएगा। और ऑल द स्टूडेंट्स यानी मोर देन टू हैं, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो रहा वो हो रहा आपका बी, यानी अमन। नेक्स्ट है सेंटेंस हमारा, यहाँ पर आपको आर्टिकल फिल करना है, माई ब्रदर इज डैश एच टी ओ। ओके, तो यहाँ पर आर्टिकल फिल करना है ए, एन, द या नन ऑफ दीज, या तो इनमें से एक भी नहीं या इन तीनों में से ए। तो एच टी ओ का जब या फिर रूल है इसका, रूल क्या, रूल आप याद कर लीजिए कि जब भी हम किसी सेंटेंस में ये बताएं कि कोई व्यक्ति क्या है, उसका प्रोफेशन क्या है, तो द आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है, केवल आर्टिकल इंडेफिनेट ए एन के प्रयोग किए जाते हैं। अब एस टी ओ को जब हम देखें तो एस बोलते समय हमारा क्या आता है, प्रोनंसिएशन ए यानी बॉबल साउंड का आता है, तो यहाँ पर बॉबल साउंड के अकॉर्डिंग एन एस टी ओ का यूज किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, डैश इज द साइलेंट लेटर इन नी। नी में साइलेंट लेटर कौन सा, के एन डबल ई या ओनली ई। तो आप याद कर लीजिए कि इंग्लिश में जितने भी वर्ड के एन से स्टार्ट होते हैं उनमें हमेशा के साइलेंट रहता है, एंड एन से प्रोनंसिएशन स्टार्ट होता है उस वर्ड का। तो यहाँ पर जो साइलेंट लेटर हो रहा वो हो रहा आपका ए, यानी के इज द साइलेंट लेटर इन नी। ओके, नेक्स्ट है, एनिमल्स दैट कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर आर। ऐसे जानवर जो दोनों जगह रह सकते हैं, जमीन पर भी और पानी पर भी, उन्हें क्या कहते हैं, एम्बिगुअस, एम्फीबियन, एमॉर्फस एंड एम्बिविलेंट। ओके, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो रहा वो हो रहा आपका बी, एम्फीबियंस ऐसे क्रिएचर होते हैं जो लैंड एंड वाटर दोनों में रहते हैं। नेक्स्ट है, द फेमिनाइन जेंडर ऑफ टाइगर। टाइगर का फेमिनाइन जेंडर बताना है, ऑप्शन है सी टाइगर, टाइग्रेस, टाइगरी या टाइग्रेस। ओके, तो राइट ऑप्शन हो रहा वो हो रहा आपका यहाँ पर बी। टाइगर में आपका जो बॉबल होता है वो हटा दिया जाता है जब इसमें सफेद ई डबल एस लगाते हैं तब। नेक्स्ट है, द प्लूरल ऑफ चाइल्ड इज। चाइल्ड का बताना है प्लूरल, चाइल्ड्रेस, चिल्ड्रन, चाइल्ड्स या चाइल्ड्रन। ओके, तो चाइल्ड का जो प्लूरल फॉर्म बनता है वो बनता है चिल्ड्रन, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, I like sweets, the correct negative sentence। ये सेंटेंस पॉजिटिव लिखा हुआ है, इसको बनाना है नेगेटिव, एंड ऑप्शन है I do not like sweets, I do not like sweets, I not like sweets and I like not sweets। तो सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखा हुआ है जिसकी एडजुलरी वर्ब होती है नेगेटिव बनाने के लिए डू या
डच के बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी, आई डू नॉट लाइक स्वीट्स। नेक्स्ट है नाउन फॉर्म ऑफ ग्रेट इज, ग्रेट आपका एडजेक्टिव है और इसको बनाना है हमें नाउन फॉर्म। ऑप्शन है ग्रेट, ग्रेटनेस, ग्रेटफुल या ग्रेटलेस। तो याद कर लो, जिस वर्ड में एफ यू एल लगा हो वो आपका एडजेक्टिव होता है, एल ई डबल एस लगा हो तो ये भी आपका एडजेक्टिव होता है, एनी डबल एस सफेद लगाने से नाउन बनता है, तो ग्रेटनेस आपका नाउन होगा, बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट राइमिंग वर्ड ऑफ साइन, साइन का राइमिंग वर्ड बताना, बहुत ही सिंपल सेंटेंस है आज के। और साइन का राइमिंग वर्ड की बात करें तो साउंड देखा जाता है लास्ट में, जो इसकी रिदम है वो सही आनी चाहिए, शाइन नून, शाइन डार्क, साइन नाइन, साइन नोज, तो साइन और नाइन इन दोनों की जो राइमिंग है वो सेम है, तो जो करेक्ट राइमिंग होगी शाइन की वो नाइन होगी। नेक्स्ट टू स्मेल ए रैट मीन्स, ओके तो ये आपका ईडियम है, स्मेल ए रैट का हमें अर्थ बताना है। ईडियम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम्स में। ऑप्शन है टू डिटेक्ट बैड स्मेल, टू मिसअंडरस्टैंड, टू सस्पेक्ट ए ट्रिक, टू सी क्लियर मीनिंग। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा टू स्मेल ए रैट, टू सस्पेक्ट ए ट्रिक, इसका राइट ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ नो, नो आपका इन्फिनेटिव फॉर्म है, इसका सेकेंड फॉर्म होता है पास्ट सिंपल फॉर्म, थर्ड फॉर्म होता है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। तो न्यू आपका पास्ट सिंपल फॉर्म है, नॉन आपका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है, ये कोई फॉर्म नहीं है। तो राइट ऑप्शन हो रहा हमारा वो हो रहा बी। ओके तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना है, पसंद आए तो दोस्तों के साथ इसे शेयर करना है। यदि क्लास और भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और आपको कुछ ही बताना हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।